নমস্কার দোস্ত মেরা নাম কিশোর আপনি তো মেরে জানতে হ্যাঁ কিশোর কুমার ব্যাস জি পে আজ মে দেনে ওয়ালা নিউজ গুগল কি তরফ সে গুগল নে আপনে ইমেজ অ্যালগরিদম মে কিয়া হ্যায় চেঞ্জ অর ইয়ে চেঞ্জ আয়া হ্যায় এক দিন হো চুকা হ্যায় করিব তো আগর আপকে পাস হ্যায় ওয়েবসাইট অর আপ এক বিজনেস ওনার হো অর আপ ইমেজ কন্টেন্ট কে লিয়ে আপ গুগল মে জাতে থে অর ইমেজ সার্চ করকে ইমেজেস কো মডিফাই করকে আপনে ওয়েবসাইট পে ইউজ কিয়া করতে থে তো ও আপ আব নেহি কর পাওগে तो पहले हम क्या किया करते थे कि गूगल में जाके करते थे इमेज को सर्च और वहां पे हमें ऑप्शन मिलता था व्यू सर्च का और अगर हम उस पे क्लिक करके जाते थे तो हमको व्यू ऑल अवेलेबल साइजेस में इमेजेस मिलता था अगर पकड़ लीजिए वो कोई स्टॉक इमेज होता था तो उसका वेरिएशन हमें मिल जाता था जो वेबसाइट्स उसे यूज करते थे उस इमेज को स्टॉक इमेज को और उसका बैक लिंक क्रिएट हो जाता था तो हमें वो इमेज मिल जाता था वेरियस साइजेस में तो वो अब होने वाला है नहीं अब जो हमें देखने को मिलता है अगर हम इमेज सर्च करते हैं तो एक इमेज का एक ओनर का एक ही डिस्टिंक्ट इमेज आपको देखने को मिलेगा और नीचे लिखा हुआ रहता है कि इमेजेस आर कॉपीराइट कंटेंट सो अब ये इमेजेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए और आपको खरीदना है अब जाके इमेजेस इमेज के वेरियस स्टॉक इमेजेस साइट्स के थ्रू और ये मैं कहूँगा कि गूगल की तरफ से बहुत ही अच्छा स्टेप है क्योंकि जो फोटोग्राफर्स यूनिक कंटेंट यूनिक फोटोज लेते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है अपने आप को शटर स्टॉक या फिर आई स्टॉक में कंट्रीब्यूटर के हिसाब से ले ले और इमेजेस अपलोड करते रहे ताकि उनके इमेजेस सेल हो पाए और आगे मैं कहूंगा कि आगे आपको दिखाऊंगा मैं कि वो डेस्कटॉप में कैसा दिख रहा है ये चीज ताकि आप वो और अच्छे तरीके से जान पाओ तो चलिए मैं चलते हैं फिर हम अपने डेस्कटॉप में अब जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने अपना डेस्कटॉप शेयर कर लिया है और मैंने गूगल सर्च में लिखा है रोज़ पकड़ लीजिए कि किसी का एक वेबसाइट है और उन्हें एक आर्टिकल के लिए रोज़ की इमेजेस चाहिए तो वह यहाँ पे रोज़ लिखेंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हो रोज़ की इमेजेस दिखाई दे रहे हैं हमें अब हम सबसे पहले फर्स्ट इमेज में जाके क्लिक करेंगे तो आप देख पाओगे कि नीचे लिखा हुआ है इमेजेस सब्जेक्ट टू कॉपीराइट पहले ऐसा नहीं हुआ करता था ये सर्च रिजल्ट कुछ दूसरे तरीके से दिखाई देता था पहले और दाहिने तरफ आपको व्यू सर्च का ऑप्शन दिखाई देता था पहले अब चलिए क्लिक कर लेते हैं विजिट ऑप्शन में तो हमें क्रिएटर का वेबसाइट देखने को मिल रहा है ये एक इमेज कंट्रीब्यूटर प्लेटफॉर्म है जहां इमेजेस बाय सेल किए जा सकते हैं तो ये पूरा ही एक क्रिएटर कॉन्टेंट बन चुका है और यूनिक इमेजेस ही आ रहे हैं जो सब फ्री रहेंगे उसी को आप डाउनलोड कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे तो शेयर का ऑप्शन अब आप जैसे दिया हुआ है जहां व्यू सर्च हुआ करता था पहले तो वहां पहले अवेलेबल साइजेस का ऑप्शन मिलता था हमें तो अब वो नहीं है लिंक में क्लिक करने पर भी कंटेंट क्रिएटर का वेबसाइट खुल जाता है जैसा आप देख पा रहे हो और अब करते हैं कुछ और इमेजेस चेक और वही कॉपीराइट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो इसका पूरा मतलब यही है कि यूनिक कंटेंट पे ध्यान दिया जा रहा है और फ्री कंटेंट जो सब फ्री रहेंगे वह उसी को आप यूटिलाइज कर पाओगे और बाकी आपको खरीदना पड़ेगा ऐसे और लेटेस्ट न्यूज़ गूगल अपडेट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को